जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज नहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान जो लिखा तार ना लगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, हमने कब इनकार किया है कि वो हमारा वारिस नहीं है। अगले महीने हम दो प्रोग्राम रख सकते हैं, एक तो पब्लिक हॉलिडे आ रहा है और दूसरा वीकेंड है, दोनों प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। मुझे अफसोस है आरती जी कि मैं आपका आइंदा कोई प्रोग्राम नहीं रख सकूंगा। जो चल जाओ यहाँ से, रोकता कौन है तुम्हें? आप ही रोकते हैं। हमारे घर में एक बच्चा आने वाला है, हमारा बच्चा। पहले तुम अपुन को ये बताओ, तुम अपुन को मिलने काय को नहीं आया? तुमको मालूम है हम तुम्हारा वास्ते कितना वेट किया, पूरे 2 घंटे तक। क्या बोला? तेरे को मैं बहुत अच्छी लगती है, तुमको मेरा आंख बहुत पसंद है। सच बोलता है ना? क्या हो रहा है यहाँ? बाहर बच्चा अकेला बैठा है और तुम फोन पर लगे हो? उनका बॉयफ्रेंड का फोन था। रोजी तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें यहाँ अजय की देखभाल के लिए रखा है, इश्क लड़ाने के लिए नहीं। अगर तुमसे ठीक से काम नहीं होता तुम चली जाओ यहाँ से। आंदा तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन यहाँ नहीं आना चाहिए, समझी? मिंता काम करेगा तो फोन भी आएगा। हाँ अच्छा, तो सारा दिन तुम फोन पर लगी रहोगी? क्या फोन का बिल नहीं आता? मालूम है तुम्हारा बिल कौन भरता है? वो तुम्हारा है ना दुबई वाला साहब कमल चोपड़ा। क्या कहा तुमने? गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट। अपन को भगा लो, अपन जाता है। अगले हफ्ते आके ले जाना, अब भगा जाओ यहाँ से। जाती हूँ अगले हफ्ते आऊंगी, पगार तैयार रखना। हाँ मालूम है। तुम अभी तक सोई नहीं गायत्री? आप भी तो जाग रहे हैं। नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। कैसे सो जाऊं? इन आंखों की तो नींद ही उड़ गई है। जब से विशाल गया है मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाई। उसके इंतजार में आंखें पथरा गई हैं। हिम्मत से काम लो गायत्री। आप हिम्मत से काम लीजिए, आप बाप हैं। मुझे इस आजमाइश में मत डालिए। मैं माँ हूं, एक ऐसी माँ जिसका जवान बेटा उससे जुदा हो चुका है, जो अपना घर छोड़ चुका है, अपनी पत्नी को ठुकरा चुका है। ये तो जिंदगी के झमेले हैं गायत्री। जिंदगी गुजारनी है तो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो दर्द से खाली हो। हर किसी के पीठ पर कोई भारी दुख का बोझ होता है। अब हमारे गुले को ही देख लो। क्या हुआ गुल भैया को?
परेशान, वो कमल चोपा ने उसे परेशान कर रखा है, उसे ताने मारता है, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालता है, बस क्या करें। लेकिन वो उनके पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि वो शमशेर राज का दोस्त है, इसलिए। वो हमारा गुलाम भी, बस गुस्से वाला है, मानता नहीं है। मैंने कई बार उसे समझाया भाई कि तू निकाह कर ले निकाह, लेकिन नहीं। तुमने भी तो कहा। मैंने सारा से आपके कहने पर बात की थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम ऐसा करो, बहू को अपने तरीके से समझाओ कि वो सारा बीवी के साथ बात करे। मैं बहू से कहूंगी कि वो सारा के पास जाए। सो जा, कोशिश कर। आओ पूर्णिमा, आओ बैठो, आराम से ठीक लगा कर बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं बैठो ठीक से। और बताओ क्या चल रहा है? बस अच्छी हूँ। सच कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा यूं यहाँ आना। मेरा भी दिल कर रहा था कई दिनों से किसी से बातें करने का। किसी से या सिर्फ मुझसे? नहीं तुम्हें से सारा, पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपनी लगती हो। तुम भी तो कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो। शमशेर भाई और भाभी जान वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं, तुम्हारी जैसी बहू जो उनको मिली। मैं भी तो खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। माँ बाप की तो याद भुला दी है उन्होंने। सारा बस कम एक ही बात का है, तुम हिम्मत से काम लो। देखो पूर्णिमा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। एक बात याद रखना पूर्णिमा, खाविंद कैसा भी हो घर जरूर लौटता है। जरूरी तो नहीं है? जरूरी है, अरे उसे घर के पकवान की जो आदत हो जाती है। और अगर उसे पकवान अच्छे न लगते हो तो? ऐसा नहीं है पूर्णिमा, तुम आहिस्ता आहिस्ता इन मुसीबतों का सामना करना सीख जाओगी। तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। हाँ ये तो है, ये उम्र मेरी हंसी खुशी में गुजारने की है, तजुर्बों से गुजरने की तो नहीं है। सुहागन होते हुए भी बेवाओं जैसी जिंदगी जी रही। लो तुम्हारी बातों बातों में मैं तुमसे पूछना ही भूल गई, चाय लाओ या शरबत? नहीं नहीं तुम यूं ही बैठे रहो, तुमसे बातें करना अच्छा लग रहा है। कोई और ला देगा? और कौन लाएगा? भाई मैं इस घर की मुलाजमा हूँ, मुझे ही लाना पड़ेगा। सारा मुलाजिमा मालकिन भी तो बन सकती है। क्या कहा तुमने? मुलाजिमा मालकिन भी तो बन सकती है। तुम यही बात कहने के लिए यहाँ आई हो ना? हाँ। शमशेर भाई और भाभी जान ने पट्टी पढ़ाकर भेजा है ना, तो फिर जवाब भी मांगा होगा। हाँ। उनसे जाकर कह दो कि बेवाएं बदनसीब जरूर होती हैं, लेकिन मजबूर नहीं। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बहू, तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस। तुम ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों? याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? कुछ दिनों के लिए मुकम्मल आराम करना, तुम्हारा होमोग्लोबिन कम हो गया है, इस हालत में तुम्हारा चलना फिरना इतनी मेहनत करना अच्छी बात नहीं है। माँ जी डॉक्टर तो हमेशा यूं ही कहते रहते हैं आराम करने के लिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने कह दिया सो कह दिया, आज से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। माँ जी अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो काम कौन संभालेगा? जब तुम इस घर में आई थी तब भी तो ऑफिस चलता था।
माँ जी तब विशाल थे, माँ जी अब बाबूजी हैं। माँ जी हमें बाबूजी पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए, बाबूजी की उम्र आराम करने की है, ऑफिस में जाकर काम करने की नहीं, मगजमारी करने की नहीं है। और वैसे भी ऑफिस में बहुत काम है, कुछ डील्स फाइनलाइज करने हैं, कुछ डील्स की डेडलाइन आ गई है, माँ जी बहुत काम है ऑफिस में। बहू शुक्र है भगवान का कि उसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया है, और कितना चाहिए हमें, किस लिए इतनी मेहनत, इतनी परेशानी, इतने वसवसे। नहीं बहू नहीं, जब तुम घर में नहीं रहती हो तो मेरा दिल घबराने लगता है, दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। माँ जी, माँ जी मुझे कुछ नहीं होगा। बहू तुम अभी ना समझो, तुम नहीं जानती जब औरत का पांव भारी होता है तो उसे किस कदर ख्याल रखना पड़ता है हर चीज का। माँ जी मैं ऑफिस जाना चाहती हूँ। माँ जी आखिर आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? मेरा पोता होते हुए भी मैं उससे दूर हूँ, अगर आज वो इस वक्त घर में होता तो उसकी किलकारियां गूंजती, उसके हंसने रोने की आवाजें आती। नहीं बहू नहीं, जब मैं सोचती हूँ कि कहीं तुम्हारी ये लापरवाही से कहीं कुछ। माँ जी मैं ऑफिस जाऊंगी। बहू माँ जी कभी आपने सोचा है ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता है, इस घर में हर पल मेरा इम्तिहान है, एक कड़ी आजमाइश है जिससे मैं हर पल हर घड़ी गुजरती हूँ। माँ जी मैं ऑफिस जाती हूँ तो कुछ पलों के लिए भूल जाती हूँ कि मैं सुहागन होते हुए भी दिन रात बिरहा के मारे हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, जल्दी वापस आना बेटी। जी माँ जी। हेलो ग्लोब इंश्योरेंस कंपनी, खन्ना साहब से मिलवाइए प्लीज। ओके हेलो खन्ना साहब, मैं कमल चोपड़ा बोल रहा हूं। सर क्या हुआ मेरे प्रीमेच्योर इंश्योरेंस क्लेम का? जी हाँ, ये तो मैं समझता हूँ कि कुछ हजार कम हो जाएंगे। जी हाँ करवा दीजिए। वेट अ मोमेंट सर, नाउ लेट मी मेक इट क्लियर, इफ आई अंडरस्टूड करेक्टली मुझे इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल जाएंगे लेकिन कुछ हजार कम, एम आई राइट? ऑल राइट, करवा दीजिए, और प्लीज जरा जल्दी करवा दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सुना तुमने, तुम्हारा भाई शमशेर राज मुझे सड़क पर लाना चाहता था, लेकिन अब मैं उसे सड़क पर ले आऊंगा, मैं उसे सड़क पर ले आऊंगा, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, इस घर में नहीं रहूंगा। सुना तुमने, सुना सुना करुणा मेरे हमसायो, सुना मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, सुना आपने? अरे सुना, जल्दी खोलो, सुनो मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, सुना आपने? वहां नहीं रहने वाला हूँ, अरे खोलो, मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला हूँ,
वहां उस गोली में नहीं रहने वाला हूं, वहां रहेगा एक नया पड़ोसी शमशेर राज। क्या मैं अंदर आ सकता है? जी नहीं नहीं, उठने का जरूरत नहीं है, आप बैठे रहो। आज आप कुछ परेशान लग रही हैं। जी पूछ सकता हूं क्यों? अशरफ के बारे में सोच रहे थे। क्या सोच रही थी? एक माँ अपने बेटे के बारे में क्या सोच सकती है? ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं जानता हूं आप परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, खुददार हैं। आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं। आप मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप इस तरह बात करेंगे तो मैं अंदर आने का माफी मांग के वापस चला जाएगा। ठीक है कहिए। देखो सर अभी भी आप अशरफ की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, उसका सारा खर्चा देखभाल पूरी जिम्मेदारी। क्यों? मैं मर गई हूं उसकी देखभाल करने के लिए, मैं उसकी माँ हूँ। आप मेरी हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रही हैं? आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आपका और अशरफ का रिश्ता ही क्या है खान साहब? आप उसके लिए इतने फिक्रमंद क्यों हैं? आप क्यों हम दोनों की वजह से इतनी परेशानियां उठा रहे हैं? क्यों, किस लिए? बल्कि मैं तो कहूंगी कि इस वक्त आपको मेरे कमरे में भी नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? खान साहब आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं सिर्फ आपकी खादमा हूं, बस और कुछ नहीं। आप मेरे लिए नामहरम हैं, गैर हैं। नामहरम महरम भी बन सकता है, गैर अपना भी बन सकता है। सर बीबी मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया हूं। या अल्लाह। देखो निकाह कर लेना हमारे रसूल की सुन्नत है और इस्लाम आपको अपना फैसला खुद करने की पूरी इजाजत देता है। आप इस मामले पर गौर करना और सोच समझ के मुझे जवाब देना। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।